बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को अनुयायियों का बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस भव्य आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज खैरो ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरे सप्ताह मनाया जाएगा और हितग्राहियों को लाभ देने के लिए कई शिविर भी महू में लगाए जाएंगे। अम्बेडकर महाकुंभ महू जन्मस्थली में आयोजित किया जाता है। 3-4 दिन का वहाँ कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। वहाँ टेंट है, बिछात है, सोने की व्यवस्था है, नहाने की, धोने की, खाने की सारी व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि दूर दूर से जो वहाँ के जो हमारे जो अनुयायी आते हैं उनकी सेवा में निरंतर उनकी सेवा में वो लगे रहते हैं और उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सब व्यवस्थाओं को पुख्ता इंजाम वहाँ पे किया जाता है। वैसे हर साल दलितों को मूल धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार भी भव्य कार्यक्रम करती है और अंत्योदय के नारे के साथ संविधान निर्माता बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उसका उनके भी हम लोग फॉर्म भरवाएंगे, उसका लाभ भी हम उन लोग दिलवाएंगे और 13 तारीख को शाम को जो है जितनी भी प्रतिमाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की वहाँ दीप जलाएंगे। 14 तारीख को महू में बड़ी संख्या में हम सब लोग एकत्रित होकर के जन्मस्थली पर जयंती मनाएंगे। उसके पश्चात 15, 16, 17 हम लोग हर मंडल में ऐसे कार्यक्रम करवाएंगे और मंडल तक हम लोग जाएंगे और मेघावी छात्रों का सम्मान, हमारे आपके असंगठित जो मजदूर हैं उन लोगों का पंजीयन, साथ ही साथ जो है मतलब हितग्राहियों का सम्मेलन, चाहे वो आवास को लेके हो, चाहे शौचालय को लेके हो, चाहे उज्ज्वला गैस को लेके हो, चाहे अन्य ऐसी कई योजनाएं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही हैं उन योजना का प्रचार प्रसार कर उनका लाभ दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। महू में होने वाले इस आयोजन पर पूरे देश से दलित बंधु महू पहुँचते हैं और बाबा साहब की जन्मस्थली के दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।